हेलो दोस्तों, तो लेकर आ गया हूं मैं आज आपके लिए फिर से एक्सेल की एक नई वीडियो, जिसमें आप सीखने वाले हैं एक्सेल की कुछ शॉर्ट ट्रिक्स या शॉर्टकट कीज जो आपके काफी यूजफुल होने वाली है। अगर आप एक्सेल पे काम करते हैं या आप ऑफिस वर्क करते हैं, तो अगर आपको एक्सेल पे तेजी से काम करना है तो आपको ये शॉर्टकट कीज जरूर आनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें प्लीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नंबर वन शॉर्टकट की है, अगर आपके पास कोई डेटा है और अगर आपको डेटा के ऊपर फिल्टर अप्लाई करना है, तो उसके लिए शॉर्टकट की आपको प्रेस करनी है कंट्रोल शिफ्ट एल। तो देखिए कितने आसानी से आपका फिल्टर यहाँ पर अप्लाई हो जाता है, फिर आप अपने अकॉर्डिंग फिल्टर का यूज कर सकते हैं। और यही फिल्टर को अगर आपको हटाना है तो आपको फिर से अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल दबाना है और आपका फिल्टर यहाँ से हट जाएगा। नंबर टू शॉर्टकट की हमारी है, अगर आपको कोई भी एक कॉलम को अगर सेलेक्ट करना है तो आप इस तरीके से सेलेक्ट करते हैं। यही चीज अगर आपको शॉर्टकट की से करना है तो आपको सिंपल कंट्रोल के साथ स्पेस दबाना है और आपका एंटायर कॉलम वहां पर सेलेक्ट हो जाता है। अगर आपको यही चीज रो सेलेक्ट करनी है तो आपको करना है शिफ्ट के साथ स्पेस, तो देखिए आपकी रो भी यहाँ पर सेलेक्ट हो जाती है। अगर आपको अपने पूरा डेटा को सेलेक्ट करना है तो आपको करना होगा, एक तो कंट्रोल प्लस ए होता है, दूसरा होता है हमारा कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस। तो इससे क्या होगा, आपके एंटायर वर्कशीट में जितना भी काम होगा वो यहाँ से सेलेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट शॉर्टकट की है, अगर आपको एक सीट से दूसरी सीट पे जाना है तो आप अपने माउस का यूज करते हैं किसी भी सीट पे जाने के लिए। अगर हमको शॉर्टकट की का यूज करना है तो आप कैसे करेंगे, आपको सिंपल प्रेस करना है कंट्रोल के साथ पेज अप। तो उससे क्या होगा, आप प्रीवियस सीट पे जाएंगे और कंट्रोल के साथ अगर आप पेज डाउन का यूज करते हैं तो उससे आप नेक्स्ट सीट पे जाते हैं। अब हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट की है, अगर आपसे आपके पास एक डेटा है और अगर आपको बोला जाएगा जो इसकी कॉलम की जो विथ है इसको आप काम के अकॉर्डिंग ऑटो फिट करें, तो उसके लिए करना क्या है, सिंपल सबसे पहले आपको अपने पूरे सीट का जो भी काम है उसको सेलेक्ट कर लेना है और कीबोर्ड से प्रेस करना है Alt+H+O+I। तो इससे क्या होगा, आप देखिए आपका जो काम है वो ऑटो फिट हो चुका है, काम के अकॉर्डिंग ही आपके कॉलम की यहाँ पर जो विथ है वो सेट हो गई है। इसी तरीके से अगर मैं यहां पर किसी भी रो की हाइट को इस तरीके से बढ़ाता हूं और आपको एक ही बार पे अपनी रो की जो हाइट है उसको एडजस्ट करनी है, तो उसके लिए भी आपको करना है सबसे पहले अपने डेटा सेलेक्ट कर लेंगे कंट्रोल ए से, फिर आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है Alt+H+O+A। तो देखिए रो की हाइट भी इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ, अगर आपको यहाँ पर कोई भी, मैंने इस तरीके से फॉर्मेटिंग इधर कर ली है और आप चाहते हैं इसी तरीके की फॉर्मेटिंग दूसरी जगह पे भी हो जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, बस आप जहां पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हो उस एरिया को सिलेक्ट करें और कीबोर्ड से Ctrl+Y दबाएं। इससे क्या होगा, आपकी जो प्रीवियस एक्शन है उनको फॉलो करता है Ctrl+Y रीडू। तो देखिए जहां जहां पर आप Ctrl+Y दबाएंगे तो हमारा वो प्रीवियस एक्शन फॉलो होगा, लेकिन ये सिर्फ हमारी फॉर्मेटिंग को ही रीडू करता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई फॉर्मूले लगा रहे हैं उस फॉर्मूले को ये कॉपी करेगा, ऐसा नहीं होगा। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर किसी भी डेटा की कोई थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ और आप इस तरीके की फॉर्मेटिंग दूसरी जगह अप्लाई कराना चाहते हैं, तो आप सिंपल सेलेक्ट करें और कंट्रोल के साथ वाई दबा दें, तो वो फॉर्मेटिंग उस एरिया पे भी अप्लाई हो जाएगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ, अगर आपको कहीं पर भी कोई भी कॉलम इंसर्ट कराना है तो आप सिंपल क्या करें, सबसे पहले वो कॉलम को आप सेलेक्ट कर लें Ctrl+Space के साथ, फिर आपको सिंपल कंट्रोल के साथ प्लस प्रेस करना है। तो देखिए दोस्तों कितने आसानी से आप कॉलमों को इंसर्ट करा सकते हैं। अगर यही कॉलमों को अगर आपको डिलीट करना है तो आप प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ माइनस, ये देखिए। इसी तरीके से अगर आपको रो भी इंसर्ट करानी है तो आप क्या करेंगे, सिंपल शिफ्ट के साथ आप स्पेस दबा के उस रो को सेलेक्ट कर लेंगे जहां पर से आपको रो इंसर्ट करानी है, फिर कंट्रोल के साथ प्लस। ये देखिए दोस्तों कितने आसानी से आप रो को इंसर्ट करा सकते हैं। अगर यही रो को अगर आपको डिलीट करनी है तो कंट्रोल के साथ माइनस दबाएंगे। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ, अगर यहां पर मैं कोई एक शेप लेता हूं, तो इस तरीके से मैंने यहां पर एक शेप ले लिया है और आपको इन शेप की यहां पर डुप्लीकेट शेप चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, सिंपल कॉपी करते हैं और फिर उसको पेस्ट करते हैं। लेकिन हमको जो शेप्स है इस अकॉर्डिंग चाहिए कि यहां पर हॉरिजेंटल लाइन पे शेप्स हमारे बराबर जो भी उसकी डिस्टेंस है उस हिसाब से है, तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले इस शेप को सेलेक्ट करना है और कंट्रोल के साथ उस शेप को इस तरीके से लगाना है।
उसके बाद आप सिंपल कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F4, तो देखिए कितने आसानी से आप उस सेब का डुप्लीकेट कर सकते हैं। और यहां पर इन दो सेपों के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी देखिए एकदम आपकी इक्वल आ रही है। तो इस तरीके से आप F4 से कोई भी सेब की डुप्लीकेट यहां पर बना सकते हैं। तो हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट की है, अगर यहां पर हमने देखिए छोटा सा एग्जाम्पल लिया हुआ, एक मार्कशीट ली हुई है और यहां पर मुझको इन मार्क्स का टोटल करना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, फॉर्मूला पर अप्लाई करेंगे इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, जिस जिसको आपको टोटल करना है आप उस एरिया को सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर कर देंगे। अब यही डेटा आपको यही फॉर्मूला नीचे कॉपी करना है, तो आप सिंपल क्या करें, एरिया को सेलेक्ट करें और कंट्रोल के साथ आप डी प्रेस करें, तो इससे क्या होगा, हमारा जो फॉर्मूला है वो फिल डाउन हो जाएगा, नीचे के साइड के आपके सारे के सारे फॉर्मूला ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाते हैं। तो ये थी हमारी शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ डी। आई होप कि आपको ये शॉर्टकट की जरूर समझ आई होगी, तो हम आशा करते हैं आप अपने काम पे इन शॉर्टकट की का जरूर यूज करें। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें।